जाओ, गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गवर्नर साहब एफ एंड ई एस एक इम्तिहान किसी भी आई जांच करवाओ, जांच कराओ, जांच कराओ, एफ एंड ई एस इम्तिहान रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, एफ एंड ई एस इम्तिहान खारिज करो, खारिज करो, खारिज करो, गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिंदाबाद, 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 युवा शक्ति जिंदाबाद, 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 एफ एंड ई एस इम्तिहान घोटाले की सीबीआई जांच करवाओ, जांच कराओ, जांच कराओ, एफ एंड ई एस इम्तिहान को खारिज करो, खारिज करो, खारिज करो, गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम 10 साल से यूटी प्रशासन और एलजी साहब और बीरो कैसों की बहन चढ़े हुए हैं। हमारी बल्ली हम बकरे के बल्ले हैं। हमारी एलजी साहब और यूटी प्रशासन ने हमें बल्ली का बकरा समझ के रखा है। हम पूछना चाहते हैं गवर्नर साहब, आप इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हो? आपकी भी फैमिली होगी, आपके भी बच्चे होंगे, अगर आपके बच्चों से ऐसे इनजस्टिस होता आप बर्दाश्त करते? आप ये सहमत कीजिए, आप लोगों के लिए आए हो यूपी से, आप लोगों का काम कीजिए, करप्शन पे कंट्रोल कीजिए। आप बीजेपी का जो एजेंडा था 370 और 35 अपडेट करने के बाद कि हम 0% करप्शन पे ट्रायल चलाए, कहाँ है बीजेपी की वो 0% वाली? ये इन्होंने एलजी लाया यूपी से और ये हमारी धज्जा उखड़ के रख दिया है। यूथ के साथ खेल रहा, फिर कह रहा है टेररिस्ट और ड्रग्स की तरफ जा रहा है यूथ, कहाँ जाएगा फिर? भक्ति की तरफ जाएगा जब ऐसे ब्यूरोक्रेट्स और ऐसे एलजी डिपार्टमेंट लड़कों के हिसाब टूटल की नहीं करे, कत्ल कर रहे हैं ये सीधा सरे, हम कत्ल कर रहे हैं। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और फाइनेंशियली पावर वाले लोग इन्होंने सिलेक्ट किए, स्पीक एंड चूज की पॉलिसी इन्होंने अपना ही, बैकडोर एंट्री कराई। ब्यूरोक्रेट्स के घरों में जो काम करते थे वो लड़के लगे हैं, ऑफिसरों के घरों में जो बर्तन साफ करते हैं वो लड़के लगे हैं, 10वीं पास जिसको वर्बली पेपर पढ़ना नहीं आता है उन्होंने 96% स्कोर किया है, और जो पीएचडी स्कॉलर थे जिन्होंने मास्टर किए उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया। क्यों एलजी साहब से हम पूछना चाहते हैं कि आपका यूपी नहीं, ये जम्मू कश्मीर है, इधर वही होता है जो हम चाहती है। हम 70 साल से इतनी बड़ी करप्शन कभी नहीं हुई थी जितनी आज हुई है। एलजी साहब हम 3 साल से कह रहे हैं कि इस पे सीबीआई इंक्वायरी खंड करो, किसको बचा रहे हैं एलजी साहब, किसको शंड कर रहे हैं, किस ब्यूरोक्रेट्स के साथ वो मिले हुए हैं, किसका हाथ है बीच में? आप पूछना चाहते हैं एलजी साहब क्यों चुपे हैं वो? अगर वो सब इंस्पेक्टर पे सीबीआई की इंक्वायरी डाल सकते हैं, एफडब्ल्यू पे डाल सकते हैं, तो फायर एंड एमरजेंसी के साथ क्या लिंक है? एलजी साहब का क्यों बचा रहे हैं, किसको शंड कर रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं आपकी मदद से।